द सोल सर्चिंग स्टोरीज बाय प्रोफेसर श्रीकांत प्रसून. फर्स्ट स्टोरी इज कैरिंग लोड इन माइंड. टू मॉन्क्स वर रिटर्निंग टू द मॉनेस्ट्री. इट हैड रेन एंड देयर वर पडल्स ऑफ द वाटर ऑन द रोड. दो भिक्षु अपने मठ की ओर लौट रहे थे और वहाँ बारिश हुई थी जिसके कारण रास्ते के गड्ढे पानी से भर गए थे. एट वन प्लेस अ ब्यूटिफुल यंग वुमन वॉज स्टैंडिंग. Apparently, she was waiting for someone who could help her. वहीं पर एक जगह एक खूबसूरत जवान महिला खड़ी थी. जाहिर है कि वह किसी का इंतज़ार कर रही थी जो उसकी मदद कर सके. She was unable to walk across because of the muddy water. वह वहाँ पर चलने में असमर्थ थी क्योंकि वहाँ पर कीचड़ भरा पानी फैला हुआ था. She requested them for help. उस महिला ने उन भिक्षुओं से मदद की याचना की. द यंगर मॉन्क डिड नॉट लाइक द आइडिया एंड स्टेप्ड बैक इन रिफ्यूज़ल. उन दोनों में जो छोटा भिक्षु था उसे उस महिला को मदद करने का विचार अच्छा नहीं लगा और उसने मना करने के अंदाज में पीछे हट गया. द एल्डर मॉन्क वेंट अप टू हर. और जो बड़े भिक्षु थे वे उस महिला के पास गए. लिफ्टेड हर इन हिज आर्म्स. और उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया. एंड लेफ्ट हर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. और उसे रोड के दूसरी तरफ छोड़ दिया. एंड कंटिन्यूड हिज वे टू द मॉनेस्ट्री. और अपने मठ के रास्ते पर चल पड़े. द यंगर मॉन्क अकम्पनीड हिम. और जो छोटा भिक्षु था वह बड़े भिक्षु के साथ चला जा रहा था. इन द इवनिंग द यंगर मॉन्क केम टू द एल्डर मॉन्क एंड सेड. शाम के समय छोटा भिक्षु बड़े भिक्षु के पास आया और बोला, भंते एज मॉन्क वी कैन नॉट टच अ व्यूमन. और उसने कहा, भंते एक भिक्षु के नाते हम किसी महिला को छू नहीं सकते. द एल्डर मॉन्क आंसर्ड, टच फॉर व्हाट. और बड़े भिक्षु ने जवाब दिया, तुम कौन से स्पर्श की बात कर रहे हो, तुम कौन से टच की बात कर रहे हो, कैसा टच. द यंगर मॉन्क एक्सप्लेन. तो छोटे भिक्षु ने एक्सप्लेन किया, समझाया, समझाते हुए बताया, भंते यू लिफ्टेड दैट वीमन ऑन द रोड साइड. तुमने उस औरत को सड़क के किनारे उठा लिया था. वॉज इट गुड टू कैरी अ वूमन इन आर्म्स अक्रॉस द रोड. क्या सड़क के उस पार एक महिला को बाहों में लेकर जाना ठीक था. और बड़े भिक्षु ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, यू आर राइट बट आई लेफ्ट हर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. तुम ठीक कह रहे हो, तुम एकदम ठीक हो, लेकिन मैंने तो उस महिला को रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ उठा कर ले गया बस. वाइल यू आर स्टिल कैरिंग हर. लेकिन तुम तो अभी तक उसे उठाए हुए हो, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो, वह अभी तक तुम्हारे दिमाग में बसी हुई है. द सोल सर्चिंग ऑफ दिस स्टोरी इज इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ सेंसियस अनराइटस अनहोलसम एंड इम्प्योर फीलिंग्स दैट टू कैरी अ लोड इन द माइंड. अतः मन में बोझ ढोने से अच्छा है कि कामुक अधर्मी अरुचिकर और अशुद्ध भावों से छुटकारा पा लिया जाए. तो हम क्या देखते हैं कि इस कहानी में बड़े भिक्षुक के विचार एकदम साफ थे, सुलझे हुए थे. और उनका विचार सिर्फ यही था कि मदद करना है. और उन्होंने महिला की मदद नहीं की, उन्होंने एक इंसान की मदद की जिसे मदद की ज़रूरत थी. जबकि हम छोटे भिक्षु को देखते हैं कि उसके मन में विचार या मदद करने की भावना उतनी क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से उसने उस महिला को स्पर्श करने से मना कर दिया. और स्पर्श करने से मना नहीं किया, उसकी मदद करने से मना कर दिया. अतः वह मन में अपने दिमाग में जो अपवित्र विचार हैं वे अब तक उसके दिमाग में बसे हुए हैं. थ्री सोल सर्चिंग स्टोरीज में से अब हम दूसरी स्टोरी देखते हैं कि वह क्या है, जिसका शीर्षक है प्रॉपर लेसन. अ वेल्दी मैन रिक्वेस्टेड एन ओल्ड स्कॉलर टू क्योर हिज सन ऑफ हिज बैड हैबिट्स. द स्कॉलर टुक द यूथ फॉर अ स्ट्रोल इन द गार्डन. जो स्कॉलर थे उन्होंने उस जवान लड़के को चहलकदमी के लिए
या सैर करने के लिए बागीचे में ले गए। स्टॉपिंग सडनली और उसे अचानक से रुकने के लिए कहा, ही आस्क्ड द बॉय टू पुल आउट अ टाइनी प्लांट ग्रोइंग देयर, और उन्होंने कहा कि वह धरती पर जो एक छोटा सा पौधा है उसे उखाड़ो। द यूथ हेल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर एंड पुल्ड इट आउट। उस जवान लड़के ने उस पौधे को अपनी उंगली और अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ा और खींच लिया। द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू पुल आउट अ स्लाइटली बिगर प्लांट, और जो बूढ़ा स्कॉलर था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उस लड़के से कहा थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए। द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट रूट एंड ऑल, और उस जवान लड़के ने पहले पेड़ की पौधे की अपेक्षा इस पौधे को थोड़ी अधिक ताकत लगाकर खींचा और वह पौधा बाहर आ गया और उसकी जड़ें भी निकल आई। नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बुश, और उसके बाद जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने दूसरी झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए उस जवान लड़के से कहा कि अब तुम इसे उखाड़ो। द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट, और वह जो झाड़ी थी उसको उखाड़ने के लिए उस लड़के को अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ी और पूरी ताकत लगा के उसने उखाड़ लिया। नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड मैन इंडिकेटिंग अ गुआवा ट्री, और उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने एक अमरूद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब तुम इसको निकालो। द यूथ ग्रास्प्ड द ट्रंक एंड ट्राइड टू पुल इट आउट बट इट रिफ्यूज टू बज, और उस जवान लड़के ने अमरूद के पेड़ के तने को, ट्रंक को पकड़ा और पूरी कोशिश की उसे उखाड़ने के लिए, लेकिन उस पेड़ ने, उस वृक्ष ने उखड़ने से मना कर दिया, वह हिला भी नहीं। आई कांट पुल इट आउट, इट्स इम्पॉसिबल, सेड द बॉय पेंटिंग, उस लड़के ने हाँफते हुए कहा कि मैं ये नहीं खींच सकता हूँ, यह असंभव है। सो इट इज़ विथ बैड हैबिट्स, सेड द स्कॉलर, व्हेन दे आर सैपलिंग्स दे आर टेंडर एंड यंग, इट इज़ ईजी टू पुल देम आउट बट व्हेन दे टेक होल्ड दे कैन नॉट बी अपरूटेड। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह सब बुरी आदतों के साथ भी होता है, कि जैसे पौधे छोटे होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, तब वे छोटे होते हैं, टेंडर होते हैं, यंग होते हैं, उन्हें आसानी से हम निकाल कर फेंक सकते हैं। वही पौधे जब बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, तो उन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारी बुरी आदतें भी होती है, जैसे ही हमें बुरी आदतें लगने लगती है हम उसे आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन वह जो बुरी आदतें हैं वह हमारा स्वभाव बन जाती हैं और वह बड़े वृक्ष के समान हमारे चरित्र में समा जाती हैं जिन्हें निकालना मुश्किल लगता है। द बॉय सून रियलाइज्ड व्हाट द ओल्ड स्कॉलर वॉज इंडिकेटिंग एट, और तुरंत ही वह जवान लड़का समझ गया कि यह बूढ़ा स्कॉलर किस ओर इशारा कर रहा है। ही रियलाइज्ड दैट ही नीडेड टू गेट रिड ऑफ हिज बैड हैबिट्स, और उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसे अपनी बुरी आदतों से तुरंत छुटकारा पाना चाहिए। वन सेशन विद द ओल्ड स्कॉलर एंड वन प्रॉपर लेसन चेंज द बॉयज लाइफ, इस प्रकार उस बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति के साथ बिताई हुई अवधि और उनसे लिया गया एक उचित पाठ उस लड़के का जीवन बदल देते हैं। सोल सर्चिंग ऑफ द स्टोरी इज, देयर इज अ परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, जिसका अर्थ है कि पूर्णता और अपूर्णता हर जगह है और हर चीज में है। फोकस ऑन द एक्शन, अपने काम पर ध्यान दें, परफॉर्म इट होल हार्टेडली विथ सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन एंड ऑफकोर्स विजडम, और उस कार्य को पूरी ईमानदारी समर्पण के साथ करना चाहिए और निश्चित रूप से बुद्धिमानी से भी काम लेते रहना चाहिए, तभी सफलता आपके पीछे आएगी। सक्सेस विल फॉलो, तभी सफलता आपके पीछे आएगी। वर्क वेल डन इज जॉय इन इट्सेल्फ, एक्शन कॉन्सक्रेटेड टू अ हायर आइडियल इज वर्शिप एंड स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व्स फ्रॉम इट, एक उच्च आदर्श के लिए किया गया कार्य ही पूजा है
और इससे आध्यात्मिकता भी विकसित होती है। थ्री सोल सर्चिंग स्टोरीज की तीसरी कहानी है बॉर्न रूल्ड एंड डाइड। जन्मा, शासन किया और मर गया। देर वॉज अ किंग हु वॉन्टेड टू नो हाउ अदर किंग्स रूल्ड एंड वॉट ग्रेट थिंग्स दे डिड दैट दे वर लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स एंड मेड देम इमॉर्टल। इस कहानी में एक राजा था, वह यह जानना चाहता था कि उसके पहले जो राजा हुए उन्होंने ऐसे कौन से महान कार्य किए कि उन्हें उनकी प्रजा ने प्यार और सम्मान दिया और अमर बना दिया। इन अ फ्यू ईयर्स हिज लर्नेड हिस्टोरियंस एंड लिटरेटर्स कलेक्टेड एंड बॉट अ कार्ट लोड ऑफ बुक्स बिफोर द किंग। राजा की इच्छा जानने के बाद कुछ ही सालों में उस राजा के इतिहासकारों और साहित्यकारों ने बहुत सारी जानकारी एकत्र की और उन जानकारियों को एक जानकारी से भरी किताबों को एक गाड़ी में लादकर राजा के सामने ले आए। ओह नो, आई कांट रीड ऑल दीज बुक्स, आई डोंट हैव डेकेड्स बिफोर मी, राइट इन शॉर्ट सो दैट आई मे फिनिश इट। ही लविंगली लुक्ड एट द बुक्स एंड सेड। राजा ने जैसे ही उन किताबों को देखा उसने कहा, अरे नहीं, मैं यह सब नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास दशकों का समय नहीं है। आप लोग इसे समरी लिख कर लाइए, शॉर्ट में लिख कर लाइए, जिससे मैं इन्हें जल्दी से पढ़ सकूँगा। और बहुत प्यार भरी नज़रों से उन किताबों को देखते हुए उसने ऐसा कहा। इन अ फ्यू ईयर्स द लर्नड मैन बॉट 15 वॉल्यूम्स फॉर हिम टू रीड। ओह नो, आई कांट रीड ऑल दीज बुक्स, आई डोंट हैव मैनी ईयर्स बिफोर मी, राइट इन शॉर्ट सो दैट आई मे फिनिश इट। ही लविंगली लुक्ड एट द लवली लेदर बॉन्डेड बुक्स। और उन किताबों को देखते ही राजा ने फिर से यही कहा, अरे नहीं, मैं इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा वर्ष नहीं है जीवित रहने के लिए, इन्हें शॉर्ट में लिख कर लाइए, जिससे मैं उन्हें जल्दी से पढ़ सकूँ और जानकारी प्राप्त कर सकूँ। लेदर के बर्क चढ़ी कवर किताबों को वह बहुत ही प्यार से और लालसा भरी नज़रों से देखता रहा। इन अ फ्यू ईयर्स द लर्नेड मैन बॉट 3 वॉल्यूम्स फॉर हिम टू रीड। कुछ ही वर्षों में वह ज्ञानी पुरुष, वह ज्ञानी व्यक्ति किताबों के 3 वॉल्यूम लेकर राजा के पास पहुंचा कि वह उसे पढ़ ले। उन किताबों को देखते ही राजा ने फिर से कहा, ओह नो, आई हैव ग्रोन क्वाइट ओल्ड, आई कांट रीड ऑल दीज बुक्स, राइट इन शॉर्ट सो दैट आई मे फिनिश इट। और उन 3 वॉल्यूम को देख राजा ने फिर से वही कहा कि अरे नहीं, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, आप इसे समरी में लिख कर लाइए तो शायद मैं इसे पढ़ लूँगा। इन फ्यू ईयर्स द लर्नेड मैन बॉट द समरी इन 1 वॉल्यूम फॉर द किंग टू रीड। और कुछ ही वर्षों के अंदर राजा का वह विद्वान व्यक्ति वह समरी, सारी जानकारी की समरी 1 वॉल्यूम में लेकर राजा के पास पहुँचा उसे पढ़ने के लिए। बट ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। लेकिन तब तक राजा अपने मृत्युशैया पर था। हिज मिनिस्टर केम टू हिम विद द बुक। ही टच्ड द बुक रिमोर्सफुली एंड सेड। राजा का मंत्री वह किताब लेके राजा के सामने पहुंचा। राजा ने पश्चाताप से किताब को हाथ लगाया और कहा, ओह नो, आई कांट रीड द बुक, इट्स माई टाइम फॉर डिपार्चर, येट आई वॉन्ट टू नो वॉट दे डिड, प्लीज टेल मी इन शॉर्ट, मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, अब तो मेरा समय इस दुनिया से जाने का है, अब तक मैं जानना चाहता था कि पहले के राजाओं ने क्या महान कार्य किए, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, कृपया मुझे यह संक्षिप्त में, शॉर्ट में सुना दो। ऑल द किंग्स वर बॉर्न, दे रूल्ड एंड डाइड, द मिनिस्टर सेड, बट द किंग वॉज नॉट अलाइव टू लिसन। सभी राजा जन्मे, उन्होंने शासन किया और मर गए। यह वाक्य, यह समरी राजा के मिनिस्टर ने कहा, मंत्री ने कहा, लेकिन तब तक राजा वह सुनने के लिए जीवित नहीं बचा था। द सोल सर्चिंग ऑफ दिस स्टोरी इज परफॉर्म एज मच
writers did as possible without waiting for auspicious time, for time has its fixed, regular and instant moment forward. अतः शुभ अवसर का इंतजार किए बिना उचित कार्य नेक कर्म जितना हो सके करते रहना चाहिए. समय की अपनी निश्चित नियमित और निरंतर गति होती है, अतः समय कभी रुकता नहीं है और समय के साथ बढ़ते जाना चाहिए. तो इस तरह थ्री सोल सर्चिंग स्टोरीज की हिंदी समरी पूरी होती है. मुझे आशा है छात्रों आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं. अगर आप इसके अंग्रेज़ी नोट्स चाहते हैं, अंग्रेज़ी में लिखे हुए नोट्स चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. हम नोट्स तैयार करके आपको लिंक देंगे, जिस लिंक से आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं.